Hi friends, today I will discuss the program copy one string to another string. So first of all we declare header file studio.h, conio.h and string.h because we doing the program string.h. So we use string.h header file. Then here we declare main function. Inside the main function we write two string, string one, string two, means स्ट्रिंग वन में हम इनपुट लेंगे यूजर से और स्ट्रिंग टू में उस स्ट्रिंग वन के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे. तो इसीलिए हमने दो स्ट्रिंग लिया है. यहाँ पे आप एक ही कैर में दोनों को लिख सकते हैं. फिर हमने clrscr फंक्शन लिखा जो कि हमारे कंसोल को क्लियर करेगा. देन हमने printf में एक मैसेज दिया इंटर एनी स्ट्रिंग इन str1, यानी यहाँ पे हम str1 में स्ट्रिंग इंटर करा रहे हैं. तो गेट्स फंक्शन से हम उसे इनपुट करते हैं. यहाँ पे आप स्कैनफ में लिख सकते हैं लेकिन हम गेट्स का यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद हम strcpy फंक्शन का यूज़ किए हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू में कॉपी करेगा. इसीलिए हमने strcpy फंक्शन का यूज़ किया है. तो ये फंक्शन क्या है, बेसिकली string.h हेडर फाइल के अंदर बिलोंग करता है. इसीलिए हमने string.h हेडर फाइल को लिखा है यहाँ पर. तो strcpy फंक्शन हमारा कॉपी कर देगा स्ट्रिंग को. तो उसके बाद हम printf से उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे. तो चलिए कोड को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं. तो यहाँ पे यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करने बोलेगा. तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेते हैं. लेट सपोज मैं अपने चैनल का नेम दे देता हूँ लर्निंग सी विथ प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पे जैसे हम इसे इनपुट करेंगे हमें स्ट्रिंग टू में यही स्ट्रिंग कॉपी मिलेगी क्योंकि strcpy फंक्शन उसे कॉपी कर दिया वन से टू में. हमने गेट्स का यूज़ किया इसीलिए ये हमारा स्पेस भी काउंट कर लिया. अगर आप स्कैनफ यूज़ करेंगे तो आपको परसेंट टेस्ट देना पड़ेगा तभी वो स्पेस काउंट करेगा. तो यहाँ पे हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम str1 में पहले से ही स्ट्रिंग को पास कर देते हैं. तो हम लिखेंगे लर्निंग सी विथ प्रोग्रामिंग, यानी यहाँ पर हमें इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आउटपुट स्क्रीन में, यानी रन टाइम में. यहाँ पे यूज़र को स्ट्रिंग इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. str1 में जो हमने स्ट्रिंग लिखा है लर्निंग सी विथ प्रोग्रामिंग वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टू में कॉपी हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ strcpy फंक्शन. तो यहाँ से मैं इनपुट वाली लाइन को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रिंग. तो ये हमारा यहाँ पे जो strcpy फंक्शन है ये स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू में ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा बाय द हेल्प ऑफ string.h हेडर फाइल. उसके बाद हम प्रिंटफ में मैसेज दिए हैं आफ्टर कॉपी str2 percentage str2, यानी percentage हमने इसलिए दिया ताकि ये हमारा स्पेस भी काउंट कर लें. तो यहाँ पे हमें मैसेज में मिला आउटपुट स्क्रीन में आफ्टर कॉपी str2 लर्निंग सी विथ प्रोग्रामिंग, यानी हमने जो यहाँ पे इनपुट किया था स्ट्रिंग पास किया था वो हमारा स्ट्रिंग टू में कॉपी हो गया बाय द हेल्प ऑफ strcpy फंक्शन. तो ये हमारा strcpy का प्रोग्राम, यानी यहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ करके स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे हैं वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग.